अब हम लर्न करेंगे कि टेबल कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। टेबल कमांड को स्टार्ट करने के लिए हम कमांड विंडो के अंदर टेबल टाइप करेंगे, एदर स्टार्ट द टेबल कमांड, या फिर हम मेन मेन्यू बार में ड्रॉ में जाएंगे एंड सिलेक्ट योर टेबल कमांड, या फिर हम रिबन के अंदर एनोटेशन पैनल में जाएंगे एंड स्टार्ट द टेबल कमांड। या फिर टेबल कमांड में स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है टेबल स्टाइल, या फिर स्टैंडर्ड मुझे यूज करना है, या फिर अपने एडीएस स्टाइल यूज करना है, या फिर जितने भी आप स्टाइल बनाएंगे टेबल के वो यहाँ पे हमारी लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। या फिर हम यहाँ से न्यू टेबल स्टाइल जनरेट कर सकते हैं, न्यू स्टाइल हम बना सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट ऑप्शन, इसके हम लोगों ने ब्लैंक टेबल हमने यूज करनी है, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, एम्प्टी टेबल मुझे स्टार्ट करनी है। उसके बाद है इंसर्शन बिहेवियर, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट मुझे स्पेसिफाई करना है, या फिर मैं सिलेक्ट करूंगा स्पेसिफाई विंडो। हम विंडो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम की विड्थ और रो की विड्थ हमारे पास हाइड हो जाएगी, यानी कि इनकी जो विड्थ है वो हम लोग विंडो पे जाके ही स्पेसिफाई करेंगे कि मुझे उसकी हाइट कितनी रखनी है और उसकी विड्थ कितनी देनी है। यहाँ पे मैं इंसर्शन पॉइंट रखते हैं, मुझे कॉलम्स कितने बनाने हैं, दीज आर दर कॉलम्स, मुझे कॉलम्स यहाँ पे 5 भी बनाने हैं। डाटा रो मुझे कितनी बनानी है, डाटा रोज हमारे पास ये है, डाटा रो सपोज कीजिए मुझे 6 बनानी है। अब है कॉलम्स की विड्थ मुझे कितनी देनी है, कॉलम्स की विड्थ लाइक दिस, ये विड्थ हमारे पास कितनी है, ये 2.50 हम दे रहे हैं। रो हाइट दिस वन, रो की हाइट हम लोगों ने कितनी देनी है वो मैं यहाँ पे 1 ही दे रहा हूँ। एंड सबसे फर्स्ट रो सेल के अंदर हमारे पास टाइटल रहेगा, या फिर हम लोगों ने उसमें भी डाटा देना है या हीडर देना है, ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम टाइटल देते हैं, सेकंड में हीडर ही रहेगा और थर्ड में हमारे पास डाटा रहेगा। देन प्रेस ओके एंड प्लेस द टेबल, फिर टेबल में यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। प्लेस करते ही हमारे पास ऑप्शन आएंगे कि अगर आप लोगों ने उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप करना हो तो मैं यहाँ पे टाइटल हमने यहाँ पे लिखना है। सेकंड रो के अंदर हमारे पास हीडर रहेगा, डबल क्लिक करके मैं एंटर करूंगा हीडर। थर्ड में हमारे पास डाटा आना है, डबल क्लिक करूंगा एंड डाटा। तो इस तरह से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर डाटा हम फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन मैं टेबल लेता हूं, यहाँ पे एटीएस स्टाइल में यूज कर रहा हूँ, स्टार्ट फ्रॉम एमपीटी ही रहेगा। देन स्पेसिफाई विंडो, हम देखते हैं कि स्पेसिफाई विंडो अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा। अभी हमारे पास कॉलम की विड्थ और रो की हाइट हमारे पास ऑफ हो जाएगी, कॉलम्स हैं हमारे पास टोटल 5 रहेंगे और डाटा रो हमारे पास 6 रहेंगे। अभी हमारे पास कॉलम की विड्थ और रो की हाइट हमने ऑफ की है, सेलेक्ट दिस वन एंड क्लिक हियर। तो अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि मुझे विड्थ कितनी लेनी है और मुझे हाइट कितनी देनी है, लाइक अगेन देन प्रेस ओके। सारी सेटिंग्स में सेम रखता हूं एंड हाइट, विड्थ मुझे कितनी लेनी है और हाइट कितनी लेनी है वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। देन कोई भी टाइटल मुझे लिखना है मैं यहाँ पे टाइटल लिख सकता हूँ। अगेन हम टेबल कमांड लेते हैं, यहाँ पे अभी कॉलम्स एंड रो की सेटिंग्स हमने दी थी, कॉलम्स एंड डाटा रो नंबर हम लोगों ने फिक्स किए थे। हम चाहें तो यहाँ पे कॉलम की विड्थ और रो की हाइट भी फिक्स कर सकते हैं, या फिर हम डाटा रो के नंबर यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, या फिर रो की हाइट हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो जिसमें से जो भी ऑप्शन हम एक्टिवेट करना चाहते हैं वो नंबर हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज कीजिए मैंने अभी कॉलम्स की विड्थ और रो की हाइट मैंने एक्टिवेट कर दी है, देन प्रेस ओके एंड मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो नंबर ऑफ रोज मेरे पास यहाँ पे बनती रहेंगी बट हाइट उसकी 1 रहेगी, और मैं अगर कॉलम्स बनाना चाहता हूँ तो कॉलम्स भी ड्रॉ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली लाइक दिस वन। इसी तरह से हम डाटा रो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 6 होनी चाहिए और हाइट वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, एंड कॉलम्स की जो विड्थ है वो हमारे पास 2.5 होगी लाइक दिस वन। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे पास फिक्स हैं, वो हाइट एडजस्ट कर रहा है, और कॉलम्स के हमारे पास
नंबर ऑफ कॉलम्स वो इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज कॉलम्स की जो विड्थ थी वो हम लोगों ने फिक्स की हुई है 2.5, और रो की हाइट हम लोगों ने वेरिएबल की हुई है। तो इस तरह से हम कॉलम्स एंड रो की सेटिंग्स को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन टेबल फ्रॉम अ डाटा लिंक। अगर कोई फाइल है हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल की शीट के अंदर बनी हुई है और उसी शीट का डाटा मुझे यहां ऑटोकैड के अंदर लेके आना है, तो मैं यहां पे एक लिंक क्रिएट करूंगा, क्रिएट ए न्यू एक्सेल डाटा लिंक। यहां पे मैं लिंक का नाम देता हूं ATS, देन प्रेस ओके, ब्राउज द फाइल कि फाइल आपकी कहां पे सेव है। यहां पे डेस्कटॉप पे मेरे पास फाइल सेव है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट ओपन, और मुझे यहां पे वो प्रीव्यू शो करेगा, प्रीव्यू टू लार्ज टू डिस्प्ले, काफी बड़ा है इसलिए वो शो नहीं हो पा रहा है यहां पे, अदरवाइज अगर डाटा आपके पास कम है तो यहां पे शो हो जाएगा। देन प्रेस ओके, ओके एंड ओके एंड नाउ प्लेस, मैंने डाटा यहां पे प्लेस करना है। अब जो हमारे पास एक्सेल की शीट थी उसके अंदर ये डाटा हमारे पास अवेलेबल था और वही डाटा हमारे पास यहां पे आ चुका है। अभी अगर मैं चाहता हूं कि उस एक्सेल की शीट के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं और सेम चेंजेस वी वांट हियर, तो मैं एक्सेल की शीट को ओपन करूंगा। ये हमारे पास एक्सेल की शीट थी, यहां पे हम एंट्री कर रहे हैं, ई के अंदर भी हम लोगों ने डाटा देना है, एफ के अंदर भी मुझे डाटा देना है, और ये मुझे 10 तक देने हैं, और मुझे डी में से 10 से आगे के मुझे और सी से डिलीट करने हैं। एंड द सेम डाटा वी विल सेव दिस फाइल, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं एंड देन क्लोज दिस फाइल। अब मैं दोबारा से ऑटोकैड को ओपन करता हूं, तो यहां पे हमारे पास मैसेज आएगा, योर डाटा लिंक हैज बीन चेंज्ड, अपडेट द डाटा लिंक ATS। मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो जो डाटा हमारे पास था वो अपडेट हो रहा है। अभी जो भी हमने चेंजेस किए हैं एक्सेल की शीट के अंदर वही चेंजेस हमारे पास यहां पे अपडेट हो जाएंगे, चाहे हम लोगों ने वहां से डिलीट किया है कोई कंटेंट्स या फिर हम लोगों ने उसके अंदर कोई कंटेंट्स ऐड किया है। ये थी हमारे पास टेबल, टेबल को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और लिंक हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हम टेबल कमांड का यूज कर सकते हैं।